हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज का हम लोग का वर्ड मीनिंग है श्वेर। इसके मीन्स होता है कसम खाना या शपथ लेना। और जैसे कोई कहता नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ मैंने वो नहीं किया, तो इसको हम लोग शॉर्टकट हिंदी में बोलते हैं कसम से। लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, मैं श्वेर के पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा। और वो सब्जेक्ट कौन होगा, जो व्यक्ति बोलेगा, यानी कि हमेशा उसके पहले मान के रखो कि आई ही होता है। जैसे आई श्वेर, आई श्वेर मीन्स होता है मैं कसम खाता हूँ या मैं शपथ लेता हूँ। फिर उसके बाद जो वाक्य होगा वो जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। उसमें सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो चले देखते हैं कैसा वाक होगा और उस वाक को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ किसी से कि कसम से मैं आपका पैसा नहीं लिया, तो मैं ऐसे वाक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई स्वेयर आई डिड नॉट टेक योर मनी। और अगला वाक्य मैं किसी से कह रहा हूँ कसम से मैं यह काम नहीं किया, तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई स्वेयर आई डिड नॉट डू दिस वर्क। जैसे कोई लड़की है, मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कसम से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई स्वेयर आई लाइक यू। जैसे कोई व्यक्ति है या मैं ही अपने को बोल रहा हूँ, किसी से बता रहा हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई स्वेयर आई डू नॉट टेल ए लाई। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कहीं जाने के लिए, तो मैं कहूँगा कसम से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, आई स्वेयर आई विल नॉट गो देयर। सो गाइड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भी जब भी ऐसा वाक आपको मिलेगा तो आप भी ट्रांसलेट एकदम आराम से कर सकेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आए, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से हम लोग रोज वर्ड मीनिंग और नए नए यूज इस चैनल पर पढ़ते हुए सीखते हुए जर्नी करेंगे।